सो हेलो गैस, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो गैस, अभी हम लोग आ गए हैं इधर पीछे साइड, देख सकते हैं घास काटने के लिए। तो यहाँ पे छोटा छोटा, आप लोगों को पता नहीं क्लियर दिख पा रहा होगा कि नहीं दिख पा रहा है, लेकिन इसमें कहना चाहिए कि रहड़ दाल मतलब बोए हैं। सो उसमें मतलब बहुत ऊँचा ऊँचा घास उग गया है। सो रहड़ को मतलब दबा दे रहा है। सो इसके वजह से उसको साफ करने के लिए आए हैं। अब देख सकते हैं कितना मतलब कि नीचे का काट दिए हैं आधा को, और बाकी बचा हुआ है उधर पीछे साइड में भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। सो अभी देख सकते हैं, ये हम लोग के साइड बोलते हैं इसको हंसुआ बोलते हैं। सो हंसुआ ले आए हैं और ये इसमें से भर के लेके जाएंगे। ये सिहरी बोलते हैं हम लोग, मतलब हम लोग के साइड में सिहरी बोलते हैं। तो इसमें से चलिए घास काटने चलते हैं। आज का व्लॉग पता नहीं कितना लंबा होगा कितना छोटा होगा। सो अभी तो करीबन 10 बज रहा है, 10 बजे मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। सो अभी आज दिन भर में क्या करते हैं देखते हैं, आप लोगों को दिखाऊंगा। सो अभी चलिए काटने के लिए चलते हैं। सो गाइस, अभी मतलब यहाँ तक पूरा इधर का कट गया है, थोड़ा सा बाकी है। उधर बहुत झाड़ है, पूरा झाड़ कैसे भरा पड़ा है। सो अभी इधर से तो काट लिए हैं, बाकी वो उधर काटना है। तो यहाँ तक ये छोटा छोटा आप लोगों को दिख रहा होगा पत्ता, ये रहड़ बोलते हैं इसको। सो इसको दबा दे रहा है, इसके वजह से मतलब उग नहीं पाता है रहड़। सो अभी चलिए उधर का काट लेते हैं। सो इसको तो अभी उधर ही लेके जाते हैं। सो अभी चलिए चलते हैं। ये रहड़ है, रहड़ दाल। सो ऐसे मतलब बहुत घास हो गया है। सो आधा घास को यहीं बाड़ी में ही छोड़ देते हैं और आधा को बैल खिलाने के लिए लेके जाते हैं घर। सो इधर देख सकते हैं कैसे घास छोड़े हैं। तो अभी चलिए आगे साइड चलते हैं। सो इधर देख सकते हैं कैसे मतलब दिख भी नहीं रहा है रहड़ कहाँ है और घास कितना है। सो ये बीच में देख सकते हैं, ये वाला रहड़ है और बाकी इधर पूरा घास भरा पड़ा है। सो अभी वो लास्ट तक वहाँ तक है। सो इधर काट रहे हैं और अभी चलिए मैं भी काटने जाता हूँ। सो इसको रख लेते हैं यहाँ पे नीचे में। तो गाइस अभी देख सकते हैं इधर आ गया हूँ मैं मतलब घास काटने के लिए। थोड़ा सा तबीयत डाउन है तो एकदम क्या बोलूँ, धूप से सहा नहीं रहा है। सो अभी चलिए काटते हैं, इसको पूरा ख़त्म करना है। इधर देख सकते हैं ये पूरा ख़त्म करना है, पता नहीं ख़त्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सो अभी इसको चलिए ऐसे हंसुआ है, हंसुआ से काट लेते हैं। क्या बोलते हैं, नीचे से काटना पड़ेगा ताकि जल्दी उगे मत। सो गाइस, अभी कहना चाहिए कुछ काम पड़ गया, थोड़ा सा राशन लेने जाना है। यहीं पे बगल में सोसाइटी है तो वहाँ पे राशन मिल रहा है, तो राशन लेने जाना है। तो चलिए अभी घर चलते हैं, उसके बाद में फिर वहाँ से राशन लेने जाएंगे। अभी देख सकते हैं इधर मतलब कितना, 3:30 बज गया आसपास, 3:30 बज गया। तो इतना काट लिए हैं और इधर तो पहले का कटा हुआ था, फिर उधर वो पीछे तक काट लिए हैं। सो अभी बाद में उसमें भर के ले जाएंगे, पहले राशन ले आते हैं। सो अभी चलिए राशन लेने चलते हैं। A few moments later. अभी घर पहुंच चुका हूं मैं और अभी देख सकते हैं इस टाइप से अपना घर का लॉक। सो चलिए राशन लेने जाने के लिए उसका क्या बोलूं, राशन बुक लेना पड़ेगा। सो ये रहा किचन रूम। सो किचन रूम यहाँ ऊपर में था। सो अपने को 2 राशन से लेना है। सो ये दोनों हो गया और कुछ कुछ लेना है। सो पहले चावल के लिए बोरा ले लेते हैं।
सो गैस ये दो राशन कार्ड मिल गया और इधर ये बोरा मिल गया, इसमें चना मिलता है, सो वो चीज लेके आने का है। और ये पन्नी से है शक्कर, सो अभी ये सबको अभी डाल लेता हूँ मैं। चलिए चलते हैं, यहाँ पे अपना गाड़ी देख सकते हैं, एक गाड़ी पड़ोस गांव का है और एक अपना वाला ये वाला गाड़ी है। सो एक उधर देख सकते हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं है। सो यहाँ से सोसाइटी बोलते हैं राशन जाते हैं, तो घर से थोड़ी ही दूर में है। गाइस मैं अभी पहुंच गया हूं यहां पे अपना ग्राम पंचायत बकुरमा का पंचायत भवन में, यहीं पे हम लोगों को राशन मिलता है। तो अभी चलो मैं दे देता हूं अपना राशन कार्ड, तो उसके बाद में फिर मैं दिखाता हूं आप लोगों को कहां पे राशन रखते हैं और मेरे गांव में कैसे राशन बांटते हैं। तो इधर साइड वाला ये वाला रूम में कहना चाहिए कि चावल रखे हैं, और इधर जो लेडीज़ लोग हैं वो लोग अपना चना शक्कर निकाल रहे हैं, और इधर बोरी बोरी में यहाँ मतलब कि ला के रखते हैं। उसके बाद में फिर जैसे जिसको राशन लेना रहता है वो आता है, फिर इसमें अपना अपना बोरी लेके आते हैं, फिर उसमें भरते हैं। उसके बाद में फिर इधर कांटा में लेके तौलते हैं, फिर मतलब जितना जितना रहता है उतना देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा वाला चावल वहाँ पर कांटा में तौला रहा है और ये उतर गया। उसके बाद में फिर शक्कर तौलाएगा, तो चना और नमक तो ले लिया हूँ मैं, और बाकी शक्कर तौला रहा है। उसके बाद में फिर सीधा राशन लेके घर जाऊँगा, फिर राशन छोड़ के सीधा आऊँगा कहना चाहिए घास लेने के लिए। अभी साथ में मेरा भाई है, तो फटाफट दोनों जने जाते हैं और राशन छोड़ के घास लेने आना है। सो गाइस अभी मतलब कि राशन पूरा ले लिए हैं, अभी देख सकते हैं पीछे साइड में तीन बोरी है, तो तीन बोरी है और ये बाइक है। अभी इसमें से मतलब बाइक से लेके जाएंगे, अरे आराम से। तो अभी दो बार आना जाना करना पड़ेगा, तो अभी चलिए चलते हैं एक बार पहुंचा के आते हैं उसके बाद में। सो इधर देख सकते हैं ऐसे मतलब लेके जाएंगे, और दो बोरी वो है, इसमें कितना 40 है, इसमें 35, उसमें 35, टोटल कितना हो गया 70, 40 वही 110 किलो। सो अभी चलिए ये राशन कार्ड आगे रख लिए हैं, सो अभी चलिए चलते हैं। देख सकते हैं पीछे साइड में कैसे मतलब कहना चाहिए पूरा बाइक में कैसे ला दिए हैं, कितना किलो के ला दिए होंगे हम लोग, कम से कम फिर भी नहीं होगा 40-70 किलो होगा। तो अभी चलिए गाड़ी चालू कर लेते हैं और लेके जाएंगे। चलिए गाइस अभी अभी घर पे मिलते हैं। सो गाइस अभी देख सकते हैं घर आ गए हैं पीछे साइड, और इधर ये दो बोरी रख दिए हैं, तो आप लोगों को दिखाने के लिए बन नहीं रहा था, सो इसके लिए मैं शूट नहीं किया। सो अभी जा रहे हैं फिर दूसरा बोरी लेने के लिए, सो अभी चलिए चलते हैं दूसरा बोरी भी लेके आते हैं। सो गाइस अभी पहुंच गया पंचायत भवन, तो अभी यहाँ पे एक बोरी बाकी है, सो इसको भी लेके चले। चल भाई पकड़ते हैं, इधर का मैं पकड़ता हूँ, इसको ऐसा पकड़ लेते हैं इसको।
हाँ पीछे करना है कि आगे बनेगा कि नहीं बनेगा। सो गाइस अभी तो ये भाई अकेले लेके जा रहा है क्योंकि मेरे को घास लेके जाना है, मैं आप लोगों को बताया था वहाँ पे। सो अभी चलिए अभी बन जाएगा ना ठीक। तो A few moments later. तो गाइस अभी देख सकते हैं इधर पूरा जो ऐसे मतलब रखे हैं घास काट काट के, सो इसको इसे भरना है, सो उसके बाद में सीधा घर लेके जाएंगे और सुबह इसको बैल के लिए देना है। वो डेली ऐसे काट काट के कहना चाहिए कि लेके जाते हैं, और इधर उस समय देख सकते हैं पूरा कैसे काटे हैं। तो अभी चलिए ये सबको भर लेते हैं। पूरा तो नहीं लेके जाना है, थोड़ा ही लेके जाना है क्योंकि खाता भी नहीं है बैल। तो कोई कोई सब घास का तो खाता भी नहीं है बैल। तो गाइस अभी देख सकते हैं पूरा भर लिया हूँ, तो अभी इसको ऐसे बांध लेता हूँ, उसके बाद में चलेंगे सीधा घर साइड, इसको उठा के ढो के, भारी वजन होता है होने के लिए, लेकिन अब क्या करें यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, इसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, इसको ऐसे बांध लेते हैं। तो ये हो गया, तो अभी चलो चलते हैं इसको उठा के लेके। सो फाइनली गाइस मैं लेके आ गया वो घास। तो आज का बस इतना ही ब्लॉग था, आई होप कि ये वीडियो ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो और शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।